आज 15,000 नहीं बल्कि 14,000 वाले सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 15,000 से अच्छे स्मार्टफोन आपको 14,000 के प्राइस में मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने 14,000 वाले सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन के ऊपर रिसर्च करी और आपके लिए ये धमाकेदार वीडियो बना दी। इस वीडियो में मैं आपको 12 से 14,000 के बीच आने वाले 5 सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन सभी स्मार्टफोन्स में आपको काफी तगड़े स्पेक्स मिलेंगे, जैसे कि 8GB की बड़ी रैम, स्नैपड्रैगन 750G का 5G प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल की अल्ट्रा क्लियर सेल्फी, सुपर एमोलेड वाली हाई क्वालिटी की डिस्प्ले, प्लस 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी। तो ये सब तगड़े वाले फीचर्स आपको इन सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी देरी मत करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन यूजर्स के बारे में जिनको एक तगड़ी सेल्फी वाला फोन चाहिए। तो इन यूजर्स के लिए एक नया नवेला स्मार्टफोन है टेक्नो कैमन 18। गाइस, 15-20 हज़ार की रेंज में ये अभी के टाइम पर इकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके फ्रंट में पंच होल वाला 48 मेगापिक्सल का हाई क्वालिटी सेल्फी कैमरा लगा है। एंड यस गाइस, 48 मेगापिक्सल की सेल्फी का होना अपने आप में काफी बड़ी बात है और इसके फोटोज भी इसकी सेल्फी से काफी तगड़े आते हैं। और इसकी सेल्फी के फोटोज को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि सेल्फी कैमरा इस फोन का टॉप ऑफ द लाइन है। अब रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस AI लेंस वाला ट्रिपल कैमरा लगा है, पर यार बैक में अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया, तो ये एक कमी मुझे इसके बैक कैमरे में लगी है। बाकी अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका बैक कैमरा बिल्कुल ठीक परफॉर्म करता है, मींस डिसेंट है। एंड इसके दोनों कैमरों में आपको दो दो LED फ्लैश लाइट मिल जाती है। कैमरा के बाद अब इसकी डिस्प्ले का जिक्र करते हैं। तो जनाब, इसमें 6.8 इंचेस वाली FHD प्लस LTPS डिस्प्ले लगी है, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट है और 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। एंड इसका टच रिस्पांस काफी स्मूथ है और इसकी डिस्प्ले में NEG ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो यार, एक तरह से देखे तो इस फोन में कम्प्लीट डिस्प्ले पैकेज दिया हुआ है, किसी भी एंगल से इसकी डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं दिखाई देती। ये फोन मीडियाटेक हीलो G85 के चिपसेट पर आता है एंड ये चिपसेट काफी स्टेबल चिपसेट है, मींस गेमिंग वगैरह इससे आप कर सकते हो। पर यार, हीलो G95 का चिपसेट भी इसमें दिया जा सकता था। वैसे इस चिपसेट के साथ भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये चिपसेट भी एक अच्छा चिपसेट है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स की। इसमें आपको गूगल डायलर मिलेगा, मतलब कि अगर आप किसी की कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो वो अगले वाले को बता देगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। 2 SIM और 1 LED से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो और ये स्मार्टफोन IPX2 सर्टिफाइड है, यानी कि पानी की हल्की फुल्की बूंदों से ये स्मार्टफोन आराम से बच जाएगा। और इसमें आपको 3.5 mm का गड्ढा मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है और 18 वोल्ट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलेगा। और इसके 4128 के लिए आपको फ्लिपकार्ट पर 13,970 रुपए देने पड़ेंगे। गाइस, अगर आपको अच्छी सेल्फी कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना है देन आप लोग इसी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। इसके बाद अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो गाइस, अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है, आपको चाइनीज माल कतई पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए एक बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। इस फोन के बारे में मैं आपको पिछली कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं। और हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये फोन वन ऑफ द बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है अंडर 14,000। और आप में से लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है, देन आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। इसमें 6.4 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले लगी है एंड इसकी डिस्प्ले में 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इस वजह से इसकी डिस्प्ले काफी ब्राइट है। मैं जानता हूँ इसमें नोच वाली डिस्प्ले लगी है जो आप में से काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर यार अगर आपको बिल्कुल टॉप नोच डिस्प्ले चाहिए तो इस प्राइस रेंज में इसकी टक्कर की डिस्प्ले आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगी। डिस्प्ले के साथ साथ कैमरा भी इस फोन का बिल्कुल टॉप नोच है। इसके बैक में 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट साइड में आपको 20 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलेगी। गाइस, बजट प्राइस रेंज में सैमसंग का कैमरा सबसे बेस्ट होता है, तो इसमें भी आपको बेस्ट लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड इसकी कैमरा ऐप के अंदर भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात करते हैं तो गाइस, इसमें मीडियाटेक हीलो G80 का एवरेज लेवल का चिपसेट लगा है। परफॉर्मेंस वाला पार्ट इस फोन का ज्यादा मजबूत नहीं है और मैं इसकी परफॉर्मेंस को नॉर्मल बोलूंगा। गेमिंग के लिए आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज मत करना। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। 2 SIM और 1 LED से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा एंड गाइस, यहां पर आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाएगी, मतलब कि अगर आपको एक सिक्योर्ड स्मार्टफोन लेना है तो यहां पर आपको काफी अच्छी सिक्योरिटी मिल जाएगी। और इसमें 3.5 mm का जैक है। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी नहीं बल्कि बड़ा बैटरा लगा है और 15 वोल्ट का छोटा सा चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 464 के लिए आपको फ्लिपकार्ट पर 14,373 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब कि 14,000 के आसपास ये फोन आपको मिल जाएगा। इस फोन को लेने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है
कि अगर आपको एक नॉन चाइनीज फोन लेना है जिसमें कैमरा बेस्ट और डिस्प्ले हाई क्वालिटी की और बड़ी बैटरी हो, तब आप लोग इस कंडीशन में इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। गाइस, अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो गाइस, हमारी इस लिस्ट में नंबर 3rd पोजीशन पर आता है इन्फिनिक्स नोट 11S। बड़ी डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है। 6.9 इंच की FHD प्लस वाली डिस्प्ले इसमें लगी है। लगभग 7 इंच की स्क्रीन इसमें आपको मिल जाएगी। साथ में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है। डायनारोक्स ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है जो गोरिल्ला ग्लास 3 के इक्वल है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है तो स्मूथनेस यहां पर आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी ताकत की, तो इसमें लगा है मीडियाटेक हीलियो G96 का गेमिंग प्रोसेसर। इस प्राइस रेंज में यहां पर आपको काफी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। PUBG, COD एंड फ्री फायर, इन तीनों गेम को आप इस स्मार्टफोन में मीडियम टू हाई ग्राफिक्स में खेल पाओगे। बात की जाए कैमरा की, तो इसके बैक में 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलेगी। और इसके दोनों कैमरों से आप 2K वीडियोस को बुक इफेक्ट में रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके दोनों तरफ आपको दो LED फ्लैश मिल जाएंगी। बात की जाए इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आप 2 सिम और 1 अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। इसमें डुअल स्पीकर्स लगे हैं। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा और ये स्मार्टफोन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी या फिर मजबूती के मामले में ये स्मार्टफोन बिल्कुल मजबूत है। बात की जाए पावर की, 5000mAh की बैटरी है और 33W का फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 664 के लिए आपको पूरे 14,000 रुपए देने पड़ेंगे। गाइस, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना है पूरे 14,000 के बजट में, तब आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, अब सेकंड लास्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं। ये फोन 12,500 के प्राइस में एक ऑलराउंडर टाइप वाला स्मार्टफोन है और इस लेटेस्ट वाले ऑलराउंडर स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 11। इसमें 6.4 इंचेस की FHD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले लगी है। साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट एंड यहां पर आपको 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। डिस्प्ले क्वालिटी इस स्मार्टफोन की काफी जबरदस्त है। AMOLED डिस्प्ले लगी है तो डेफिनेटली कलर्स वगैरह यहां पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेंगे। एंड भाई, 12,500 के प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाएगी। बात की जाए कैमरा की, तो इसके बैक में 50+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। भाई, कैमरा इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा है। इसके प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको काफी अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बिल्कुल टॉप लेवल का कैमरा इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं लगा है, मैं इसके कैमरे को एवरेज बोलूंगा। अब बात की जाए ताकत की, तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट और ये चिपसेट 6nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त मिलेगी एंड इससे आप PUBG जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को काफी स्मूथली खेल पाओगे। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलेगी और हैवी टास्क करने के लिए भी ये स्मार्टफोन काफी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। 2 सिम और 1 अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। डुअल स्पीकर्स इसमें लगे हैं एंड 3.5mm का गड्ढा भी इसमें आपको मिल जाएगा। बात की जाए बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी है और 33W का प्रो फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलेगा। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की, तो इसके 464 के लिए आपको ऑफर्स में 12,500 रुपए देने पड़ेंगे और विदाउट ऑफर इसके 464 वाले वेरिएंट का प्राइस है 13,500 रुपए। अच्छा ये रहेगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन को ऑफर्स में परचेज करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सबसे तगड़े और सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन की और इस तगड़े वाले फोन का नाम है Samsung Galaxy F23 5G। गाइस, अगर आपको एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला 5G फोन लेना है तो फिर आप लोग इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके परचेज कर लो, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का ताकतवर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 750G लगा हुआ है और ये चिपसेट टोटल 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इस चिपसेट पर आने वाला ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी और इस स्मार्टफोन से आप किसी भी गेम को हाई ग्राफिक्स में आराम से खेल पाओगे। और अगर आपको हैवी टास्क करना होता है तब भी ये स्मार्टफोन आपको टॉप नॉच लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.6 इंचेस की FHD प्लस वाली डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर लगी है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। तो भाई, इसकी डिस्प्ले में स्मूथनेस भी आपको काफी अच्छी मिलेगी और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी डिस्प्ले में आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर आता है और एंड्रॉइड 12 पर आने वाला ये अभी के टाइम पर इंडिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। 2 सिम और 1 अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिलेगी और सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। अब बात की जाए इसके प्यारे से
कैमरा की, तो इसके बैक में 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा हुआ है और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। अल्ट्रा वाइड सेटअप इसकी सेल्फी में आपको मिल जाएगा। कैमरा इस स्मार्टफोन का नॉर्मल है, मतलब कि नॉर्मल लेवल के फोटोज इसके दोनों कैमरों से आप क्लिक कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। 5000 mAh की बैटरी है। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा, मतलब कि ये चार्जर गायब करने का ड्रामा सैमसंग ने अब बजट लेवल के स्मार्टफोन में भी शुरू कर दिया है। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 वोल्ट का चार्जर आपको इसके बॉक्स में मिल सकता है। देखना यह है कि इसके बॉक्स में चार्जर मिलेगा या नहीं। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की। तो इसमें आपको 4GB रैम के साथ 4GB की वर्चुअल रैम मिल जाती है, मतलब कि 4+4=8GB रैम, और 6GB रैम के साथ यहाँ पर आपको 6GB की वर्चुअल रैम मिलती है, मतलब कि 6+6=12GB रैम। और इसके 464 के लिए आपको ऑफर्स में पूरे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को 4GB रैम के साथ परचेज करोगे। तो यहाँ पर आपको 4GB की वर्चुअल रैम मिल जाएगी, तो 4+4=8GB रैम, यानी कि आपके फोन की रैम 8GB हो जाएगी। और गाइस अगर आप लोग अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हो देन डेफिनेटली ये स्मार्टफोन 15,000 के प्राइस पॉइंट में आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो भाई ये थे 14,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट और लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आपको हर फील्ड के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस का मजा देंगे। अब आप लोग अपने बजट और पसंद के अकॉर्डिंग इन पांचों में से किसी भी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अगर मुझे इन पांचों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो मैं परचेज करता सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को। आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप लोगों का अब भी कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के जय वंदे मातरम।